हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम बैक टू 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 अ न्यू वीडियो। अब यार देखो, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग खेलने जा रहे हैं हाउस डिजाइनर गेम। और आप लोग सोच रहे हो कि भाई तुम हाउस डिजाइनर गेम के अंदर कैसे आ गए वापस। तो यार देखो, आप में से बहुत सारे भाइयों ने बैक टू बैक कमेंट करके कहा है कि भाई हाउस डिजाइनर गेम के अंदर अपडेट्स आ चुके हैं, गेम बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, नए नए घर भी आ चुके हैं, तो क्यों ना एक बार वापस से इस गेम को खेल लो। तो यार मैंने इस चीज को कंसीडर करा और भाई साहब अभी मैंने इस गेम को डाउनलोड कर लिया है और अभी इस गेम का सीजन 2 हम लोग लाने वाले हैं और चेकआउट करने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या नई चीजें आई हुई हैं। खैर यार मैं सही बताऊं ना, इस गेम के अंदर एंटर करते ही एक अलग ही बिल्कुल वाइब आ गई मुझे। मतलब कि एक समय था जब हम लोग यहाँ पे डेली आया करते थे और आ करके यहाँ पे जो घर है उसको, मतलब कि अपने घर को बहुत ज्यादा मस्त बनाया करते थे। अभी आप लोग देख सकते हो कि अपना जो पूरा घर है बहुत ज्यादा गंदा पड़ा हुआ है और यहाँ पे अपने आस पड़ोस में बहुत सारे अमीर लोग रह रहे हैं। खैर यहाँ पे अपना दोस्त भाई साहब ये रामू चंद है, कितना ज्यादा स्मार्ट बन गया भाई साहब। इसके पास तो नए नए कपड़े आ गए, मुझे लग रहा है कि इसने बिजनेस खोल लिया है और अभी काफी ज्यादा अमीर हो चुका है। लेकिन हाँ, अभी हम लोग वापस से आए ना, तो हम लोग तो वापस से गरीबी हैं और हम लोगों को शुरू से स्टार्ट करना है। तो अपने पास ये कूड़ा कबाड़ सा घर है जिसको कि यार हम लोगों को साफ सफाई करके बहुत ज्यादा मस्त सा नया बनाना पड़ेगा। तो अरे एक काम करते हैं, सबसे पहले बाहर जितना भी कूड़ा पड़ा हुआ है ना, मैं सोच रहा हूँ इसको साफ कर दूँ। और हमारी जो सोसाइटी है ना, आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है। सबके पास इतने ज़्यादा बड़े बड़े घर है, इतने ज़्यादा कूल घर है और बहुत ज़्यादा साफ सुथरे घर है। लेकिन अपना जो घर है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ है क्योंकि यार हम लोग बहुत समय बाद आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करना पड़ेगा कि हम लोग को अपना जो घर है ना इसको सही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो बाहर यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है जितना भी ग्राउंड पे है इसको हम लोग क्लीन करते हैं, उसके बाद घर के अंदर की सफाई करेंगे और फिर घर के अंदर जितनी पुरानी चीज़ें उनको हटा करके नई चीज़ें लाएंगे और भाई लाइट वाइट लगाएंगे, बेड वेड बनाएंगे, बहुत सारे काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, बाहर जितना भी ग्राउंड में कूड़ा पड़ा हुआ है मैं इसको जल्दी साफ कर देता हूँ। आप लोग देख सकते हो ईंट पड़े हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे पटरे पड़े हुए हैं और बहुत सारी ऐसी बेकार सीट भी पड़ी हुई है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे कूड़े के रूप में पड़ी हुई है और लोहे लंगड़ की चीज़ें भी यहाँ पे पड़ी हुई है। ओके, तो यहाँ पे यार देखो ये एक ईंट पड़ी हुई है, यहाँ पे ये साइकिल का पार्ट मुझे ऐसा लग रहा है, ये साइकिल का पार्ट जैसा था। खैर यहाँ पे हम लोगों ने बाहर से जितना भी कूड़ा पड़ा हुआ था हमारे ग्राउंड पे ये हम लोगों ने पूरा क्लीन कर दिया है। लेकिन यहाँ पे अभी जो वॉल्स है ना, हाँ ये अभी भी आप लोग देख सकते हो हमारे घर की गंदी ही पड़ी हुई है। भाई इतने दिन ना होना तो घर तो पूरा भंगार हो ही जाता है। खैर कोई बात नहीं यार, देखो अभी अपने पास ये छोटा सा घर है, हम लोग इसको सही करेंगे, उसके बाद चलेंगे रुपए कमाने और फिर इस घर को बेच करके और जो बाकी रुपए कमाएंगे उसको मिला करके एक नया घर खरीदेंगे, ठीक है। आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लो। खैर यहाँ पे हम लोग अंदर आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो कितनी ज्यादा पुरानी चीजें अपने पास है यहाँ पे और जो सारे दरवाजे खिड़कियां है ना वो भी जंग लगी हुई है और यहाँ पे सोफे भी बहुत ही ज्यादा खराब है। खैर यहाँ पे मैं बैठ सकता हूँ, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन मैं अगर इसके अंदर भी बैठ गया ना तो भाई बैठूंगा कम और यहाँ पे कपड़े ज्यादा गंदे करा लूंगा। तो हाँ मैं एक बार बैठ गया था, वैसे मुझे कपड़े धोने पड़ेंगे, लेकिन कोई बात नहीं यार, हम लोग अभी काम पे फोकस करते हैं। हम लोग जल्दी जल्दी से सारा जो अंदर कूड़ा पे ना इसको भाई जल्दी साफ कर देते हैं हम लोग। ओके, तो यार जो अपने घर का मेन एरिया है ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा जो कूड़ा है वो साफ कर दिया था जितना भी पड़ा हुआ है। और यहाँ पे अपना जो बाथरूम है वो छी भाई कितना ज्यादा गंदा है और यहाँ पे भी कुछ कूड़ा पड़ा हुआ था, इसको भी यहाँ पे साफ कर देते हैं। और यहाँ पे अपना बेडरूम है भाई साहब, मतलब कि हर चीजें बस ऐसी पड़ी हुई है, मतलब दूध की बोतल यहीं पे पड़ी हुई है, पिज्जा यहीं पे पड़ा हुआ, पिज्जा का डिब्बा पड़ा हुआ है, मतलब कुछ साफ सफाई यहाँ पे करी ही नहीं गई है। खैर यहाँ पे एक काम करते हैं, अभी यहाँ पे जितनी भी पुरानी चीजें हैं ना हम लोग उनको बेच देते हैं और उसके बाद घर में जितनी भी यहाँ पे धूल जमी हुई है ना उसको भी हम लोग को साफ करना पड़ेगा। और आप लोगों को तो मेरी आदत पता है कि मैं घर के अंदर भाई कम चीजें रखने में विश्वास रखता हूँ, लेकिन भाई पुरानी चीजें और जो बेकार सी चीजें होती हैं उनको रखने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। तो यहाँ पे घर के अंदर जितनी भी पुरानी चीजें हैं, जैसे ये दरवाजे हो गए हैं, ये मेन जो अपना गेट है इसको भी मैं बेचने वाला हूँ, चाहे चोर आ जाए चाहे जो आ जाए, अपने पास जितने रुपए हो गए ना उसके बाद हम लोग ये गेट खरीद लेंगे, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले सारी खिड़कियां, यहाँ पे सोफे और यहाँ पे मेजेज सबके सब हम लोग यहाँ पे बेच देते हैं, कुछ भी नहीं रखना है, सब कुछ यहाँ पे भाई बेकार ही है, बिल्कुल भी कुछ अच्छा बाकी ही नहीं है अपने घर के अंदर, सब कुछ ही नया लाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा रुपए कमाने पड़ेंगे, ड्यूटी चलना पड़ेगा।
तो हाँ जॉब कर लेंगे, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग टॉयलेट को बेच देते हैं और टॉयलेट का जो दरवाजा है इसको भी बेच देते हैं। वैसे जल्दी से टॉयलेट यहाँ पे हम लोगों को खरीद के लाना पड़ेगा, वरना अगर हम लोगों को लग गई भाई तो फिर तो प्रॉब्लम ही आ जाएगी। कह रहे हैं यहाँ पे चलो ऑल राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे सारे जितनी भी पुरानी चीजें थी हमने घर के अंदर वो हम लोगों ने यहाँ पे अभी बेच दी है। और अभी समय आया है कि हम लोग जल्दी से झाड़ू निकालें और जितनी भी यहाँ पे धूल जमा हुई है ना जगह जगह पे, सबसे पहले तो इसको साफ कर दे। ओके, तो यहाँ पे टॉयलेट के अंदर काफी सारी धूल जमा हुए है, इसको जल्दी साफ कर देते हैं। और बाकी बचा जो घर है इसके अंदर बहुत सारी धूल है, इसको भी जल्दी साफ कर देते हैं। ऑल राइट यार, हम लोगों ने सारा का सारा जितनी भी धूल जगह जगह पे जमी हुई थी ना वो सारी सारी साफ कर दी। और यहाँ पे अपना जो बेडरूम है उसके अंदर बस थोड़ी सी धूल बाकी हुई थी जो कि हम लोगों ने क्लीन कर दी है। वैसे अभी मुझे लग तो नहीं रहा है, वो यहाँ पे थोड़ी सी धूल है। एक तो यार घर का जो कलर है ना वो भी, मतलब कि जो वॉलपेपर्स लगे हुए घर के अंदर वो भी ऐसे ही है जिससे कि समझ में नहीं आती कि यहाँ पे कहाँ पे धूल जमा हुई है। खैर इनको भी हम लोग चेंज करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, आप लोग देख सकते हो जो अपने घर की वॉल्स है ना वो जगह जगह पे बहुत ज्यादा टूटी हुई है। जैसे कि यहाँ पे बाथरूम के अंदर टाइल्स टूटी हुई है, ऐसा अपना जो बेडरूम है उसके अंदर भी बहुत सारी टूटी हुई है और बाहर भी आप लोग देख ही सकते हो। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग जल्दी से चलते हैं शॉप पे, ठीक है, और शॉप से इस पैकिंग पेस्ट खरीद लेते हैं। और इस पैकिंग पेस्ट से सबसे पहले हम लोग जितनी भी वॉल्स है ना जो टूटी हुई है ना इनको हम लोग जल्दी से सही कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं जल्दी से पेस्ट लगा लेता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले तो अपना टॉयलेट का जितना भी यहाँ पे टूटा हुआ है इसको हम लोग सही करेंगे। और एक बार देखो ये पेस्ट लग गया ना, उसके बाद हम लोग ऊपर से वॉलपेपर्स लगा देंगे, यहाँ पे अपना जो बाथरूम है इसके अंदर टाइल्स लगा देंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट लगने लगेगा, कोई ऐसा समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल मस्त हो जाएगा। अभी आप लोग लग रहा होगा कि ये ऐसा अलग सा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन एक बार मैंने यहाँ पे पेंट वेंट कर दिया ना फिर आप लोग देखना कितना ज्यादा प्यारा अपना घर यहाँ पे लगने लगेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं इधर भी कर देता हूँ डन। हाँ, तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो चुका है। और मुझे नहीं लगता यहाँ पे हॉल के अंदर अभी कई भी जगह बाकी जहाँ पे टूटा हुआ है। अभी अपना यहाँ पे जो बेडरूम है इसके अंदर भी जल्दी से यहाँ पे पेस्ट लगा देते हैं। यहाँ पे ये काफी ज्यादा टूटा हुआ है बेडरूम के अंदर, वैसे तीन चार जगह है जहाँ पे ये टूटा हुआ है, अभी थोड़ा सा हम लोग कुछ जल्दी जल्दी से यहाँ पे लगाना चाहिए। ओके, इधर भी मैं लगा देता हूँ और यहाँ पे शायद से एक दो जगह और बाकी। हाँ, तो यहाँ पे दो जगह पे और लगाना हम लोग को। और बाथरूम के अंदर यार मैंने ऐसा कोई जगह तो नहीं छोड़ दिया जहाँ पे मैं ध्यान नहीं दिया और वहाँ पे इस पैकिंग पेस्ट को लगाने की जरूरत थी, ऐसा हो सकता है। वैसे मुझे क्या पता तो नहीं है लेकिन हो सकता है। तो चलो एक बार चेकआउट कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ जल्दी से यहाँ से मैं पेस्ट लगा लेता हूँ, वैसे मुझे लग नहीं रहा है कि कोई जगह बाकी है लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। ओके ऑल राइट, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले सही कर दिया था, यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं जल्दी से यहाँ पे जो अपने इस पैकिंग पेस्ट है इसको मैं सेल कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ रुपए मिल जाएंगे तो सही है, नहीं मिले कोई टेंशन नहीं है। ओके ऑल राइट, तो यहाँ पे हम लोगों ने इतना काम कर दिया है। अभी आप लोग देख सकते हो अपना जो घर है जो भंगाड़ था वो अभी काफी ज्यादा मस्त लगने लगा है। तो अभी एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे अपना जो घर है ना उसके अंदर पेंट कर सकते हैं या फिर कुछ वॉलपेपर्स भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं अपने बाथरूम के अंदर चलते हैं और बाथरूम को बहुत ज्यादा मस्त बनाते हैं। तो बाथरूम के अंदर मैं नई प्रकार की टाइल्स लगाने वाला हूँ जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है यार ये कलर, मतलब कि ऐसा ग्रीनिश कलर और ब्लूइश कलर का मिक्स है ये कलर शायद से, और ये ब्लैक तो नहीं है, जो ब्लैक क्यों, ओ ये ब्लैक कलर है, मुझे ऐसा देखने में तो यहाँ ब्लैक नहीं लग रहा था, ब्लैक ओ तो यहाँ पे वो वाली टाइल्स ऐसे मैंने नहीं ली थी, ठीक है कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ब्लैक कलर की हम लोगों ने टाइल्स लगा दी और अभी आप लोग देख सकते हो भाई साहब अपना बाथरूम कितना तो मस्त लग रहा है। वैसे यहाँ पे थोड़ी सी धूल जमा हुई है, मैं एक काम करता हूँ इसको यहाँ पे साफ कर देता हूँ, भाई धूल आ जाती है बार बार। खैर यार आप लोग यहाँ पे इसका लुक देखो कितना ज्यादा औसम लग रहा है यार अपना बाथरूम, भाई साहब कुछ ज्यादा ही कमाल का लग रहा है, मतलब सही में गजब ही लग रहा है, मजा ही आ गया। खैर यहाँ पे अभी आप लोग समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मैं हम लोगों ने इस पैकिंग पेस्ट लगाया था, अभी आप लोग देखो बिल्कुल मस्त लग रहा है। तो ऐसे हम लोग एक काम करते हैं कि जल्दी से अपना जो यहाँ पे बेडरूम है इसको भी सही कर देते। ओ यहाँ पे बहुत सारी नई नई यहाँ पे फ्लोरिंग्स भी आई हैं, अच्छा ये चीजें आई हैं अपडेट के अंदर, भाई ये मस्त चीजें आई हैं, अब मजा आएगा, काफी सारी सही चीजें आई हैं। तो अभी मुझे आप समझ में आ रहा है भाई आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। हाँ, तो एक काम करते हैं यहाँ पे अपना जो बेडरूम है उसके अंदर कुछ वॉलपेपर से जो कि हम लोग ट्राई करके चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे ये वॉलपेपर काफी ज्यादा सुकून वाला लग रहा है, मतलब ऐसा शांति वाली जो वाइब है ना वो इससे आ रही है, तो ये काफी ज्यादा सही है। ऑल राइट, ये अपना जो बेडरूम है काफी ज्यादा मस्त लगने लगा है, ओ भाई साहब काफी ज्यादा ही बढ़िया लग रहा है। खैर अपना इतना काम हो चुका है, अभी एक काम करते हैं जो अपना यहाँ पे हॉल है इसके अंदर मैं कुछ अलग प्रकार करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये हम लोग लगा के देखे क्या, ये पेड़ ये बस पेपर है ये कुछ नहीं, और ये चीज नहीं आई है ये अपडेट के अंदर आई है ये चीज,
ये काफी ज्यादा बढ़िया चीज है वैसे। ये भाई एक अलग प्रकार की वाइब देगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जैसे इसको लगा देंगे ना, तो भाई साहब देखो अपना जो हॉल है वो काफी ज्यादा बढ़िया लगने लगा है, एक ऐसा मस्त वाइब आ रही है। लेकिन सही बताऊँ ना, बाहर से जब मैं अंदर आया ना तो उतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब कि हाँ, एक ऐसा आ रहा है कि जैसे पुराने जमाने की स्कूल ना बने हो तो ऐसा पेंट होता है, वैसी वाइब आ रही है। वैसे मैं सोचा था कि काफी ज्यादा बढ़िया लगेगा, लेकिन नहीं यार, उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। ये काफी ज्यादा कूल लगेगा, ये कूल वाली वाइब देगा, देखना एक बार। हम लोग इसको लगा करके देखते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऑल राइट, तो यहाँ पे हम लोग लगा दिया। वैसे वॉल पेपर काफी ज्यादा महंगे हो चुके हैं, तो हम लोगों को सही से इनको यूज करना चाहिए। और अभी हम लोग अंदर आ रहे हैं तो काफी ज्यादा मस्ती वाइब आ रही है, और अभी भी ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो अभी एक काम करते हैं, जल्दी सबसे पहले हम लोग जो बाथरूम है ना, इसकी व्यवस्था कर लेते हैं, क्योंकि यार बाथरूम होना अपने घर के अंदर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग एक टॉयलेट परचेस कर लेते हैं, सस्ता वाला परचेस कर लेते हैं, क्योंकि अभी अभी अपने पास रुपए नहीं है। आगे चल के जब रुपए कमा लेंगे हम लोग तो महंगा भी ले लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने टॉयलेट तो मंगा लिया है सारा, अभी मैं सोच रहा हूँ कि नहीं मंगाऊ क्योंकि अपने पास उतने रुपए नहीं है। एक काम करते हैं, हम लोग जल्दी से एक बेड भी मंगा लेते हैं अपने लिए, ताकि हम लोग सोने की व्यवस्था हो पाए। भाई सोएंगे नहीं तो कैसे ही काम चलेगा, बिना सोए तो कुछ हो ही नहीं सकता, हमारी आंखें खराब हो जाएगी, हमारी जो बॉडी है वो सही से काम नहीं करेगी, तो फायदा ही क्या है। तो ये अपना बेड है, इसको मैं यहाँ पे बिछा देता हूँ, डन। यहाँ पे एक पंखा भी लगा देता हूँ, क्योंकि यार गर्मी का मौसम तो चल ही रहा है और ठंडी आने वाली है, वैसे अभी आई नहीं है तो गर्मी तो लगेगी रात पे, तो एक हम लोग पंखा भी लगा देते हैं। वैसे यार पंखा आप लोगों को मुझे ढूंढवाना पड़ेगा, मुझे पता नहीं पंखा यहाँ पे हम लोग कहाँ पे मिलने वाला है। इधर ही कहीं पे होना चाहिए पंखा, वैसे पंखा है किधर? ओके, तो इनके अंदर है क्या, एक्सेसरीज के अंदर? हाँ यहाँ पर भी नहीं है भाई, किधर गया पंखा? पंखा 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 कहाँ पे मिलेगा भाई? यहाँ पर भी नहीं है, इसके अंदर तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है। इधर ही कहीं पे मुझे लग रहा है कि मिलना चाहिए अगर मैं सही हूँ तो। इधर भी नहीं, इधर भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसके अंदर मिलेगा क्या? हाँ ये रहा, चलो डन। तो यहाँ पे यार एक पाँच पंखुड़ी वाला यहाँ पर पंखा है, जिसको कि हम लोग लगा सकते हैं। वैसे काफ़ी ज़्यादा महंगा है तो मुझे लग नहीं रहा कि इसको हम लोग परचेस कर पाएंगे, और हम लोग कोई भी पंखा परचेस नहीं कर सकते हैं भाई, सारे के सारे बहुत ज़्यादा महंगे हैं और अपने पास उतने रुपए नहीं है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि हमारे घर के अंदर जो दो डोर्स हैं ना, उनको हम लोग परचेस कर लेते हैं यार, हम लोगों को गर्मी में सोना पड़ेगा आज। टेंशन मत लो आप लोग, देखो हम लोग जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो भाई रुपए कमा करके आएगा। हम लोग ड्यूटी अभी जैसे ही है, हम लोग यहाँ पे घर के गेट वेट लगा लेंगे ना, उसके बाद मैं डायरेक्ट ड्यूटी जाने वाला हूँ। और यहाँ पे काफ़ी सारी नई नई चीज़ें वैसे ऐड हुई हैं, जैसे कि ये वाला जो विंटेज रफ यहाँ पे ये है ना, ये नया ऐड हुआ है, काफ़ी एकदम मस्त है। वैसे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग जल्दी से जो डोर्स हैं उनको चेकआउट कर लेते हैं, कौन सा सबसे बेस्ट डोर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे एक मस्त डोर मैं सोच रहा हूँ खरीद लूँ, वैसे अभी अपने पास ज़्यादा रुपए नहीं है तो हम लोगों को थोड़ा सा हिसाब से ही खरीदना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे $520 का है एक ये दरवाजा, ये काफ़ी ज़्यादा सही है, इसको मैं परचेस कर लेता हूँ, मुझे लग नहीं रहा। ओ दोनों हम लोगों ने परचेस कर लिया, डन। तो आप अपना काम हो चुका है, तो यार देखो अपना जो घर है ना वो बिल्कुल सिक्योर हो चुका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अपने जो दरवाजे वो भी मस्त से लग चुके हैं और बहुत ज़्यादा कूल से दरवाजे लग रहे हैं, और वैसे ये मुझे नया दरवाजा लग रहा है, ये दरवाजा अभी पहले नहीं था। तो यार हाँ भाई भाई, जिन जिन लोगों ने यहाँ पे कमेंट करके बताया ना कि भाई हाउस डिजाइनर गेम के अंदर बहुत सारी नई नई चीज़ें आई हैं, तो यार सही है यार, बहुत सारी नई चीज़ें आ चुकी हैं और जो कि बहुत ज़्यादा बड़े हैं। खैर हाँ, अभी यार देखो हम लोगों ने अपना जो घर है ना इतने तैयार कर लिया है, और अभी अपने पास $68 से बाकी हैं, जिससे कि कुछ भी नहीं होने वाला है, तो हम लोगों को ऑलमोस्ट $50,000-$60,000 चाहिए रहेंगे। तो उसके लिए मुझे रुपये कमाने जाना पड़ेगा, बहुत सारे मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके लिए मुझे काम करना ही पड़ेगा, दूसरों घर पे साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, तो हाँ उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा ड्यूटी पे। तो यार मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पे, ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो अपना जो घर है उसको पूरा पूरा कंप्लीट करेंगे और बहुत ज़्यादा कमाल का बनाएंगे। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो तक का, जो हम लोग हाउ टू डिजाइन गेम खेले। खैर अगर आप लोग ये वाला वीडियो पसंद आया तो वीडियो जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, और हाउ टू डिजाइन सीजन 2 का पहला ही एपिसोड आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना, जाओ कमेंट डाउन कर दो। खैर चलो भाई लोग मिलते हैं हम लोग वीडियो पे, बाय।